हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। हमने कल क्या पढ़ा था कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं, मतलब भाषा होती क्या है। हमने देखा था कि भाषा को बोलकर, लिखकर, किसी को फ़ोन पे बताना, सुनकर, पढ़कर, मतलब ऐसे होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट भाषा होती क्या है, हम भाषा कहते किसे हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मन की बातों को या विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो ये हमने कल देखा था कि ऐसे किसी प्रकार से हम अपने अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। तो मतलब ये है क्या, एक सोर्स ही है भाषा, लैंग्वेज का एक सोर्स है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को बोल कर, लिख कर या सुनकर पढ़ ले कर समझ लेते हैं। नेक्स्ट, आओ कंठस्थ करें, भाषा के दो रूप होते हैं प्यारे। वो हमें पोइम के जरिए बता रहा है, एक पोइम है इसमें। तो पोइम के द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। कहते हैं दो रूप होते हैं, मुख से बोले और लिख डाले। जा तो मुख से बोले, मुख मतलब मुँह, मुँह से बोले मतलब वो क्या हो गया, मौखिक, वो एक तो बोलकर हो गया और लिख डाले या फिर लिख दिया। मुख से बोली मौखिक होती, जो मुख से बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं, मौखिक होती है। लिखत सदा कागज पर सोती, और जो लिखत होती है वो सदा कागज पर सोती। हम कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा पेपर पर लिखते हैं ना, तो लिखत सदा कागज पर सोती। तो इसमें पोइम में क्या हमने क्या देखा कि दो रूप होते हैं, जा तो मुंह से बोल दो या फिर लिख डालो। और क्या कहते हैं कि जो मुख से बोली वो मौखिक होती, जो मुंह से बोल दी उसको मौखिक कहा जाता है, लिखते सदा कागज पर सोती। तो इस पोइम के द्वारा बच्चे याद रख सकते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल पोइम है। नेक्स्ट, भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य दो रूप के होते हैं, जैसे हमने इसमें ही पढ़ लिया, पोइम से ही हमें एग्जैक्ट पता चल रहा था। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी कौन सी होती है, लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जैसे कि नाम से क्लियर है, जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इससे बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं। तो बच्चे जो फर्स्ट बच्चा, जो भी हम जहाँ पे रहते हैं, हमारी लैंग्वेज और हमारी भाषा वही होती है जो हमारे परिवार की होती है। क्योंकि छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं आता होता, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो अपने परिवार से जो सीखता है वो उसकी मौखिक भाषा बन जाती है। लिखित भाषा, जब हम लिख कर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप से भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है, सुरक्षित मतलब बच्चे सेफ रखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो भाषा होती है, लिखित होती है, उससे क्या होता है, भाषा को सेफ रखा जा सकता है। क्योंकि जो बोल दिया वो भूल सकते हैं हम, हमारे वर्ड्स चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम, बट जो लिख दिया वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे बुक्स होगी, हमारे ग्रंथ हो गए, वो क्यों लिखे जाते हैं, क्यों लिखे गए, ताकि टाइम टू टाइम वो जिंदा रहें। मतलब जो टाइम के साथ बदले नहीं, हमारी भाषा चेंज हो सकती है, पॉसिबल है। हमारी स्कूल में भाषा हो रहा है, हमारे घर पे हो रहा है, वो चेंज हो सकती है। हमारी हो सकता है हमारी वर्डिंग मतलब डिफरेंट हो सकती है, तो वो क्या है, वो सेफ नहीं है। लेकिन जिसको लिख दिया वो क्या, सुरक्षित हो गया, वो सेफ हो गया। इसे सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। जो लिखित है उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस, मतलब जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो उसे सीखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की। कभी कभी हम संकेतों और इशारों को, अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, ये संकेतिक भाषा कहलाती है। बच्चे जैसे संकेतिक भाषा मतलब जब हम किसी को इशारों में बता रहे हैं तो वो क्या, संकेतिक भाषा। जैसे ये ट्रैफिक पुलिस, ये है ना पिक्चर में, द्वारा यातायात सुचारू रूप से चलाना। बच्चे सुचारू रूप से चलाना, यातायात मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो हम कह सकते हैं जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए, ये क्या इशारे में बता रहे हैं, तो ये संकेतिक भाषा हो गई। हिंदी व्याकरण में संकेती भाषा को भाषा नहीं माना जाता। मतलब ये ऐसी नहीं कि हाँ कि हम इसको पर्टिकुलर कह सकें कि हाँ ये हर एक जगह पे यूज़ हो रही है, लेकिन फिर भी एक भाषा का रूप है, चाहे इसको मेन तो नहीं माना गया लेकिन एक भाषा का रूप है। सो ओके बच्चे, दिस मच इज़ अ सफिशेंट फॉर टूडे। हम आपने इसमें से कोशिश करनी है, ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चंस। ओके।